ये लो। मामा जी आंटी क्यों आई थी? ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तुम लोग खाना शुरू करो ना। मामा खाना तो बहुत ही ज्यादा मजे का बना है। वैसे तो ये मुझे नहीं पसंद, लेकिन आज आपने आप ही के लिए बनाया ना, तो मजे का बना है। यहाँ पे मामा ने मेरा फेवरेट फूड बनाया है, तो आप जेलस हो रही हो? थैंक यू मामा। अच्छा भाई तुम लोग खाना खाओ और टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। तुमने तो शुरू ही नहीं किया अभी। खा रही हूँ मामा। जब भी आप ही आती है ना, आप तो मुझे भूल ही जाती हैं। अच्छा ये बात है, आप कहते हो तो मैं नहीं आती, वापस चले जाओ। नहीं आपी, अब आप कहीं भी नहीं जाएंगी, आप और मामा हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ठीक है, हम यहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। आपी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। आपको पता है जब आप यहाँ नहीं थी ना, तो मामा आपके लिए बहुत रोती थी। अच्छा तुम लोग खाना खाओ, मैं भी आती हूँ। मामा आप कहाँ जा रही हैं? खाना तो खा लें। अभी आती हूँ, एक जरूरी कॉल करनी है मुझे। हाँ सब ठीक है मामा? हाँ सब ठीक है, खाना खाओ। मजे का है ना? हेलो जी सोनिया, कैसी हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। देखिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा तो इसलिए फोन किया आपने? आपने जिया को ये कहकर क्यों भेजा कि रुखसती के बाद अमल और राफे मेरे साथ नहीं आएंगे? देखिए सोनिया, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन आपको मेरी पोजीशन भी समझनी होगी। मेरी दूसरी शादी कसम की, मेरे कुछ रिलेटिव्स अब्रॉड से आ रहे हैं और मैं किसी को बातें करने का मौका नहीं देना चाहता। और फिर मैंने ये नहीं कहा था कि आपको अपने बच्चों के बगैर रहना होगा, बल्कि चंद दिनों में रिश्तेदार चले जाएंगे, फिर हम जाकर उन दोनों को घर ले आएंगे। तो आपके इन रिश्तेदारों को बाद में पता नहीं चलेगा कि मैं दो बच्चों को अपने साथ लेकर आ रही हूं? मेरे ख्याल है आप ज्यादा सोच रही हैं, मुझे अपना वादा याद है। एंड डोंट वरी, अमल और राफे छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आई थिंक दे कैन हैंडल इट। ठीक है मैं अमल से बात करती हूँ। ओके थैंक्स।